जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, धार्मिक पुस्तक भंडार मतलब जो भी हमारी पूजा पाठ की पुस्तकें हैं, वेद पुराण उपनिषद हैं, वो हम कहाँ से खरीदें, किस प्रेस से खरीदें जो प्रमाणिक हो, जिसमें भ्रांतियां ना फैलाई गई हो। तो मेरे भाई बहन, नंबर एक पर गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें हैं, और भी इसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके पहले एक अभी बहुत विवाद चल रहा है दिव्य कीर्ति जी के विषय को लेकर के, जो उन्होंने अत्यंत अत्यंत ही निंदनीय रूप में प्रकट किया है। सोचिए, एक नुपुर शर्मा थी जो सच्ची बात प्रामाणिक बात बोली, और आज वो अंडरग्राउंड सरकार ने कर दिया अथवा स्वयं है। इतना पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका आक्रमण उनके ऊपर हो गया, नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। और आज ये खुलेआम जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत दुख की बात है कि वीडियो बनाने के जस्ट पहले ही ऐसे ही हमने दो चार संतों का प्रमाण सुना देखा, जो सच में उन्होंने प्रमाण दिया था। कुछ कमेंट्स वहां देखे, जो जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो तो सपोर्ट करेंगे, पर बहुत सारे हिंदू भाई बहन ने भी उनको सपोर्ट किया। मैं ये कह रहा हूं कि हमें गलत को गलत कहना आना चाहिए, और हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं हैं। तो सत्य को समझना चाहिए। यहां तक आया, हमारे गुरु भी अगर गलत बात कहते हैं तो भी हमें वो नहीं मानना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए शुभ है अथवा अशुभ है। दूसरी बात, दिव्य कीर्ति जी जिन्होंने बोला वो एक आइडियल जैसे हैं देश के लिए, और इतने बड़े आईएएस पीसीएस वाले संस्था के, और जो देश में शायद नाम भी है उसके, एक सम्मानित टीचर हैं, कम से कम उनको तो विचार करना चाहिए। अगर वो भी गीता प्रेस की, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा, पढ़ना भी था तो अगर वो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े होते अथवा प्रमाणिक किसी ऋषि संत के द्वारा लिखी गई ग्रंथों को पढ़े होते, शायद आज ये स्थिति नहीं होती। फिर भी मैं कह रहा हूं, उनकी हिम्मत है क्या? उनकी हिम्मत है कि वो मान लिया जो दूसरे संप्रदाय के बारे में सच्चाई लिखा गया है और प्रमाणिक उन्हीं के लोगों के द्वारा लिखा गया है, क्या उसको वो इसी प्रकार से बोल पाएंगे जो कि सत्य है? नहीं बोल पाएंगे ना। तो चूंकि यहां कोई बोलने वाला नहीं है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो उसका कैसा भी रहा हो, उसका जो है अतीत कैसा भी रहा हो, पर उसको एक ये भी नहीं कहेंगे कोई अनपढ़ आदमी अपनी भाषा में कुछ बोल दिया। आप पढ़े लिखे हो, कम से कम इन बातों को बोलने के पहले, और बचपन से आप, ऐसा नहीं कि आप 12 साल आपकी आयु है, इतनी आयु के हो तो कम से कम इन बातों को बिना अनुसंधान किए, ऐसे घृणित बातों को तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसका कारण क्या बना? एक तो उनकी अल्पज्ञता, दूसरी बात, आजकल जब से YouTube का प्रचलन बढ़ गया है, हर व्यक्ति ज्ञानी बढ़ गया है। ऐसे अगर सबको वीडियो देख करके अथवा दो चार पुस्तकें पढ़कर ज्ञान आ जाए, तो भैया जो नाई का ट्रेनिंग लेते हैं लोग, बाल बनाने वाले 1.5 1.5 लाख रुपया 3 महीने का कोर्स करते हैं, अथवा जो एक्टिंग का कोर्स करते हैं, अथवा जो वो खुद कोर्स कराते हैं, IS PCS का कोर्स कराते हैं, क्या क्या लोग कोर्स कराते हैं, फिर वो लोग तो सारा बंद ही हो जाना चाहिए। हाँ, आप सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें मिल सकती है, पर बाकी तो प्रैक्टिकल करने से ही होगा। ऐसे एक हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत हर बार पूछते हैं, गुरु जी 9 सुपाड़ियों पे नवग्रह का आवाहन कैसे करें? अरे भैया, 9 सुपाड़ियों पे ऐसे सामान्यतया नहीं हो जाता है। हर चीज के पीछे एक स्टार्ट होता है, बेसिक होता, संकल्प होता, सारी चीजें होती हैं। इंजेक्शन हम लोग भी जानते हैं, पर अपने हाथ से लगा भी सकते हैं, लेकिन हर इंजेक्शन नहीं लगा सकते ना। किस मात्रा में होना चाहिए, कितना टेम्परेचर पर होना चाहिए, किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, तो उस सब का व्याख्या करके एक व्यवस्था बनी हुई है। अब ग्रंथ में अगर हम पढ़े लिखे नहीं, लिखा हुआ है कि पिंडों पर सूत्रम दद्यात्, मतलब पिंड के ऊपर में सूत्र मतलब सूत्र चढ़ाइए, अगर वहां जो है मिस्टेक हो गया, सूत्र की जगह मूत्र लिखा, तो आप अगर अनुभवी नहीं, अनुभवी गुरु जी के साथ नहीं है, तो आप कैसे उसको व्याख्या कर पाएंगे? आप तो जो लिखा वही बोल देंगे। तो इसलिए गुरु का संगत अथवा जिस भी लाइन में आप जाते हैं, जो भी आप बोलने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका ज्ञान लेना जरूरी है। ऐसे YouTube पर उस आपको मछली बनाना सिखाते हैं, और ये आपको गणेश जी का पूजन करना सिखा रही है, खुद ऐसे अर्धनग्न कपड़ों में बैठी हैं और आपको गीता का ज्ञान दे रही हैं।
तो ऐसा ज्ञान जो है वो उनको भी डुबाएगा और हमको भी डुबाएगा अगर हम इन लोगों को फॉलो करेंगे। तो इसलिए उनको तो पढ़ना चाहिए था, उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने अल्पज्ञता की। और जो भी होगा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं, एकजुटता नहीं है, जिसके कारण लोग एक बार विचार करें। और वो भी कोई दूसरा नहीं, अपने समाज का भाई बंधु है, अपने समाज का ही क्यों ना हो। कि अपना बेटा जो है बाप को गोली मारेगा तो क्या उसको सजा नहीं होगी क्या? तो और अथवा उसने बाप का नाम बढ़ाया तो उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा क्या? तो सजा और पुरस्कार दोनों का हकदार हर व्यक्ति है। तो ऐसे में मैं मेन टॉपिक पर आता हूं। उन्होंने जो किया भगवान जाने उनको मतलब इतना बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है, उसकी चर्चा फिर कभी होगी कि गुरु निंदा, शास्त्र की निंदा, अपने भगवान की निंदा, माता पिता की निंदा, सबका दोष लगता है। तो उन्होंने जो किया ईश्वर उनको अवश्य उसका फल देगा। लेकिन यहां कहने की बात मेरी यह है कि जब भी पुस्तक आपको चाहिए धार्मिक कर्म करने के लिए, चाहे पूजा पाठ करना हो, वेदों का हो, उपनिषदों का ज्ञान लेना हो, नॉलेज लेना हो, और लेना भी चाहिए कि हमारे वेदों में या हमारे गीता जी में क्या लिखा हुआ है, तो नंबर एक पर गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक लीजिएगा। उसके बाद में दूसरे बात पर आता है ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार। इन लोगों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है कि मैं उनका प्रचार करूं, लेकिन मैंने बचपन से अपने गुरुजनों के द्वारा अनुभव किया है और स्वयं में भी देखा हूं, परखा हूं। तो ये गीता प्रेस नंबर एक पर, गीता प्रेस गोरखपुर आप गूगल में सर्च करेंगे आपको वहां का एड्रेस, फोन नंबर सब मिल जाएगा। और लगभग लगभग सभी पुस्तकें वहां उपलब्ध हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब आदि आदि। इसके बाद में अगर आपको चाहिए तो नाथ पुस्तक भंडार है, ये दरिबा कलाम शायद प्रयागराज इलाहाबाद की है। उसके बाद में ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार है बनारस की ही। ये संस्कृत की पुस्तकें यहाँ पर ज्यादा हैं, लगभग लगभग हैं चौखंभा सुर भारती, जहाँ कोश की पुस्तकें लगभग मिलती, कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह से निकलता है, पर उन पर हमें विश्वास नहीं करना है। जैसे कि एक मार्क्सवादी का पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब पढ़ करके ये कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है, ये मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। एक हम दवा भी लेते हैं, एक साबुन भी लेने जाते हैं, मशीन भी लेने जाते हैं, कंप्यूटर भी लेने जाते हैं, तो कितना सर्च करते हैं किस कंपनी का, कितना रैम है, क्या है, किस जनरेशन का है, क्या है, और हम ऐसे पुस्तक उठा लाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, जो कि अनुचित है, बहुत ही गलत है। इसके बाद में आपको और पुस्तकें देखनी है तो जैसे कि हमारे चारों शंकराचार्य हैं, चाहे स्वामी निश्चलानंद जी हो गए जो पुरी में रहते हैं, पुरी के शंकराचार्य जी, उनके मठ से और उनकी लिखी हुई पुस्तकें हो, हमारे स्वामी जगत गुरु जी कह सकते हैं, शंकराचार्य जैन सरस्वती जी उनके मठ से निकली हुई पुस्तक हो वो भी है। उसके बाद में द्वारिका शारदा पीठ का जो पुस्तक का है वहां से निकला हो, स्वामी करपात्री जी की लिखी गई मूल पुस्तक हो, श्री रामकिंकर उपाध्याय जी की लिखी गई हो, तो इन लोगों की पुस्तक जो है ये प्रामाणिक है। और उसी प्रकार से एक बात और, बहुत लोग मेरी निंदा भी करेंगे पर कोई बात नहीं, वो उनका काम है। शांति कुंज हरिद्वार जो गायत्री परिवार द्वारा लिखा गया पुस्तक है, अथवा हरे रामा हरे कृष्ण द्वारा जो गीता का महत्व बताया गया है, गीता का अर्थ किया गया है, वो बहुत ही प्रामाणिक नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ कुछ जगह ही मिलता है, पूरी जगह नहीं मिलता है। जो हरे रामा हरे कृष्ण क्या बोलते हैं ये इस्कॉन, इस्कॉन द्वारा जो गीता बांटी जा रही है, एक्चुअली ये वास्तविक गीता का अर्थ इसमें बहुत कम ही है, और बाकी चीजों को बहुत जोड़ दिया गया हाथ पैर काट करके। बहुत लोग निंदा करेंगे, करने लो। इसके बाद में जो हरिद्वार की है गायत्री परिवार द्वारा जो चारों वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, ये सब नकली है, केवल कंटेंट मतलब विषय वो लिया गया और बाकी मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया गया है, जो कि पूर्णतया प्रमाणिक नहीं। कुछ कुछ चीजें 10% 15% बीच में प्रमाणिक हो सकती हैं, पर आगे पीछे सब इतना लिपा पोती दिया गया है कि जैसे कि चॉकलेट के अंदर में आपको बादाम रख के दिया जाता है, तो बादाम तो कम नाम मात्र का रहता है और चॉकलेट खाओगे तो नुकसान कितना करेगा, अनर्गल चीजें हमारे शरीर में चली जाएंगी। वैसे अनर्गल विचार जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है वो हमारे अंदर आ जाएंगे और ज्ञान की चीजें वो दब जाएंगी जो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो
तो इन सब जगह की पुस्तकों को अथवा और भी जो ऐसे लिख के आती हैं, कोई अग्रवाल, कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है। हमें इन्हीं स्थानों से जो प्रमाणिक स्थान है, जो वेद शास्त्र उपनिषद को समर्पित जो संस्था है और जहां प्रमाणिक कई सारे योग्य विप्रगण बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके जानकार लोग, और फिर वहां से निकल करके हम लोगों तक प्राप्त होता है। तो जब भी खरीदना हो यहाँ का खरीदें, और ऐसे लोग जो लोग अनर्गल कुछ भी बोलते हैं उनका भरसक विरोध कीजिए, विरोध का जैसा भी रूप आपको प्राप्त हो, हाँ अपने दायरा में रह करके। बाकी तो आप लोग स्वयं गुणी हैं, और ये वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।